हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंद्रा शर्मा, रसोई मम्मी की, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मेथी की कढ़ी बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या सामग्री ली है। मेरे पास छाछ थी, खट्टी छाछ, तो उसमें मैंने ये बाउल भर के, ये बाउल पूरी भरा हुआ छाछ का ले लिया था। और इसमें मैंने ये एक बाउल बेसन डाल के इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। इस तरीके से मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और इस छाछ में मैंने ये इस तरीके से मिक्स कर दिया। अभी हम इसमें छौंक लगाएंगे। ये सारा मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया छाछ और बेसन को। अभी हम गैस ऑन कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑन कर दिए और इसके ऊपर हम ये कढ़ाई चढ़ाएंगे। इस कढ़ाई में मैंने करीब ये एक टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। मैंने एक टेबल स्पून करीब ऑयल डाल दिया है। अब ये ऑयल गर्म हो रहा है, गैस मैंने तेज कर दी है। फ्रेंड्स, तो एक बाउल भर के ये मैंने छाछ और बेसन का मिक्सचर ले लिया है। आप दही भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास खट्टी छाछ पड़ी थी इसलिए इसकी खट्टी छाछ ही अच्छी लगती है। दही हो तो खट्टा दही लेना चाहिए। और इसमें हम अभी तड़का लगाएंगे। पहले तड़का लगाने के लिए हमको ये सामग्री चाहिएगी। ये पहले जीरा डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी मैं हींग डालूंगी फ्रेंड्स, और फिर मैं ये हरी मिर्च डालूंगी। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। और मसालों में मैं डालूंगी नमक, हल्दी, मिर्च, ये वही रूटीन मसाले हैं, और थोड़ी सी दो लाल मिर्च इसमें तड़के के लिए डालूंगी अभी। और इसी में मैं ये सूखी मेथी है, मैंने पहले से अलग कर ली थी, उसे मैं डालूंगी तड़के में। और ये मेथी है, इसे मैंने धो लिया है दो तीन पानी से। धोने के बाद में इसे छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर ली है। इसको हम जब कढ़ी बनेगी तब हम डालेंगे। अब देखिए ये कढ़ी, मेथी की कढ़ी बहुत मस्त लगती है सर्दी का टाइम है। ये गैस अब मैं धीरे कर देती हूँ, तेल गर्म हो गया है। फ्रेंड्स, पहले मैं ये जीरा डालूंगी। जीरा डाल दिया। अब मैं थोड़ी सी ये हरी मिर्च और लाल मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल दी, गैस धीरे कर दी। और थोड़े से अब मैं ये साबुत लाल मिर्च डाली है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ी हींग डालूंगी। पहले ये हींग डाल के, और अब मैं हल्दी डालूंगी और ये थोड़ी मिर्च डालूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी डालूंगी, फिर तड़के में डालूंगी। और ये मेथी मैंने जो अलग सूखी सी ली थी पहले, ये पहले तड़के में डाल देंगे, बाद में हम एक और तड़का लगाएंगे फ्रेंड्स। लग गई है। अब इसमें ये मैंने एक बॉल बेसन जो लिया था और ये एक बड़ा बॉल छाछ ली थी, इसको मिक्स करके अब इसमें मैं ये डाल दूंगी। गैस तेज कर दी है मैंने और ये सारी छाछ और बेसन इसमें डाल दिया। इसको कंटिन्यूस हिलाना है फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी,
एक गिलास पानी डालूंगी अभी तो, एक गिलास पानी डालूंगी। ये अभी मैंने तड़का लगाया है फ्रेंड्स, इसमें दूसरा तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। थोड़ी सी मेथी को मैंने तड़के में डाला था तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं ये जो भीगी हुई मेथी है इसको मैंने 2-3 पानी से धो लिया था और छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है। अब मैं ये करीब आधा बॉल के करीब डालूंगी। ये मेथी की कड़ी फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। सर्दी का मौसम है तो आप इसे रोटी पराठे चावल नान किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत मस्त लगेगी। इसमें थोड़ी सी मेथी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको कम चाहिए तो कम डालिए, ये मैंने इतनी डाल दी है, करीब भी आधा बॉल के करीब मैंने डाल दी है। इसको कंटिन्यू खिलाना है फ्रेंड्स, इसमें मैंने नमक नहीं डाला है पहले। देखिए इसमें मैंने ये नमक नहीं डाला है अभी, नमक मैं बाद में डालूंगी जब ये कड़ी उबलने लगेगी, बॉयल होने लगेगी तब। इस कड़ी को हमको कंटिन्यू फैलाना है नहीं तो ये फटने लग जाएगी। ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लग गई है तो अभी तो ये और भी गाढ़ी होगी फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसमें आधी गिलास पानी करीब और डाल रही हूँ। अभी इसको हम बिना ढके कम से कम 10 मिनट होने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे और जब ये उबलने लगेगी तब इसमें हम नमक डालेंगे। फ्रेंड्स हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था, अब ये उबलने लग गई है तो अब हम इसके अंदर थोड़ा नमक डाल देते हैं। जब ये बॉईल होने लगे तभी नमक डालेंगे हम। ये कड़ी बॉईल हो रही है तब तक हम इसे इधर तड़का लगा लेते हैं। ये तड़का पैन रख दिया है फ्रेंड्स मैंने, गैस धीरे कर दी है थोड़ी सी और इस पैन में मैं ये देसी घी डाल रही हूँ। तड़के में घी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, देसी घी 1 चम्मच के करीब इसमें मैं डालूंगी। 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया और इधर ये कड़ी हो रही है हमारी, ये गैस थोड़ी लो मीडियम कर दी है मैंने। कड़ी में आप दही की भी वैसे मैं बनाती हूँ लेकिन आज मेरे पास खट्टी छाछ थी इसलिए बनाई। आप दही भी, दही बेसन घोल के भी बना सकते हैं और इसी तरह से मेथी डालेंगे जिस तरह से मैंने डाली है तो आपको बहुत मस्त लगेगी। ये सर्दी की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे रोटी पराठे नान चावल किसी के भी साथ खाएंगे तो आपको और बच्चों को सबको घर में बहुत पसंद आएगी, गेस्ट को भी पसंद आएगी। ये हमारा घी गर्म हो गया है फ्रेंड्स, इसमें अभी हम ये कड़ी हो गई है गैस बंद कर देते हैं। गैस बंद कर दी और इसमें मैंने ये तड़के में, तड़के वाली गैस भी बंद कर दी और इसमें ये
जीरा डाल रही हूँ। घी थोड़ा तेज गर्म हो गया तो थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए फ्रेंड, थोड़ा सा हो गया था। अब देखिए इसमें हम तड़का लगाएंगे। ये मैं जीरा डाल रही हूँ फ्रेंड, जीरा डाल दिया। फिर ये दो लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और थोड़ी सी इसमें हींग डाली, हींग डाल दी। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। और थोड़ी लाल मिर्च डाल दी। तो ये तड़का हमने इसमें कड़ी में, देखिए तड़के से कितनी मस्त लग रही है। ये मैं सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ फ्रेंड्स। सर्विंग बाउल में ये कड़ी ले लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए कितने मस्त लग रही है ये मेथी की कड़ी। देखिए फ्रेंड्स ये मेथी की कड़ी आप सब खाएंगे, बहुत मस्त लगेगी। और ये तड़का ऊपर से लगाया हुआ तो और भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स इसे रोटी पराठे, नान, चावल किसी के भी साथ खाइए, सबको घर में पसंद आएगी। ये मेरी मेथी की कड़ी, इसे आप कभी भी किसी वक्त खा सकते हैं। सर्दी का टाइम है तो ये गरम गरम ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।